बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज अगेन हम मीडियन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। मीडियन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर टू माइनस सी। तो हमारा आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द गिवन टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड्स इन शॉर्ट एंड सपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी, डिटरमाइन मीडियन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टेबल जो हमें गिवन है, हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करने के लिए दो कॉलम्स होना हमारे पास ज़रूरी हैं, एक क्लास बाउंड्रीज और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कॉलम से हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के साथ ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। और उसका जो प्रोसीजर है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 2 + 5 = 7, नेक्स्ट 7 + 12 = 19, 19 + 17 = 36, 36 + 14 = 50, 50 + 6 = 56, 56 + 3 = 59, 59 + 1 = 60। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम, और उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 2 + 5 = 7, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 7 + 12 = 19, 19 + 17 = 36, 36 + 14 = 50, 50 + 6 = 56, 56 + 3 = 59, 59 + 1 = 60। एफ की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, समेशन एफ हमें पहले कैलकुलेट करना चाहिए था। पहले हम एफ़ की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 2 + 5 + 12 + 17 + 14 + 6 + 3 + 1, समेशन एफ इज 60। एफ की वैल्यूज़ का टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू, ये दोनों सेम होती हैं। हर क्वेश्चन में एफ की वैल्यूज़ का टोटल और सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू इक्वल होंगी। ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं आपने वो देख लेनी है, क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए कंजेक्टिव क्लासेस की लोअर एंड अपर लिमिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर, ये दोनों सेम होनी चाहिए, जबकि इसमें ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर, ये सेम होनी चाहिए। तो ये अपर और नेक्स्ट की लोअर ये सेम नहीं है, इट मींस कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो अब हम इन क्लासेस को पहले क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करूँगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 9.8 - 9.7 / 2। 9.8 पहले हम माइनस करेंगे, 9.8 - 9.7 ये आया 0.1 / 2। 0.1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.05। ये जो माइनस करने के बाद डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, इसको हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। पहले हम इनमें से माइनस करेंगे, लोअर लिमिट्स में से 9.3 - 0.05, इसको आपने कैलकुलेटर पे पहले टाइप करना है, 9.3 - 0.05, तो ये आ गया 9.25। 9.8 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 9.75 आ जाएगा। 10.3 - 0.05 ये आ जाएगा 10.25। 10.8 - 0.05 = 10.75। 11.3 - 0.05 = 11.25। 11.8 - 0.05 = 11.75।
12.3 माइनस 0.05, 12.25, 12.8 माइनस 0.05, 12.75। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने ये जो 0.05 है इसको हम अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 9.7 प्लस 0.05, 9.75, 10.2 प्लस 0.05, 10.25, 10.7 प्लस 0.05, 10.75, 11.2 प्लस 0.05, 11.25, 11.7 प्लस 0.05, 11.75, 12.2 प्लस 0.05, 12.25, 12.7 प्लस 0.05, 12.75, 13.2 प्लस 0.05, 13.25। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के फार्मूले में जो डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे L, H, F और C है, इसके लिए पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। और मीडियन क्लास के लिए हम समेशन F ओवर 2 को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है, समेशन F है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और 2 पे इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि मीडियन डिवाइड्स अ सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन एक सेट के दो हिस्से करता है, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 पे डिवाइड करके मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। मीडियन क्लास वो क्लास जिसमें मीडियन फॉल करेगा। तो समेशन एफ 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे 30th वैल्यू। अब हम देखते हैं 30th वैल्यू किस क्लास में आ रही है। अब उसके लिए आप सी एफ को कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर है सी एफ को कॉलम ही यूज़ करें। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का करना है तो ये देखें, फर्स्ट क्लास में यानी इस क्लास में 2 वैल्यूज़ फर्स्ट 2 हैं, नेक्स्ट में नेक्स्ट 5, तो 2 प्लस 5 7 वैल्यूज़ हो गई, और इधर तक हैं 19 वैल्यूज़। हमारी है 30th वैल्यू, तो 19 वैल्यूज़ आ रही हैं ये ऊपर वाली तीन क्लासेस में, जबकि नेक्स्ट क्लास में 19 से ऑनवर्ड और 36 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में आ रही हैं। इट मीन्स के 30th वैल्यू जो है वो इस क्लास में फॉल कर रही है, 30 इसमें 36 में फॉल कर रहे हैं। ये है मीडियन क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 10.75 है, वो है फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 17, वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू, और इस क्लास से ऊपर वाली जो C F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो कि 19 है, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू, और मीडियन क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो वो H आ जाएगा। H इज 11.25 माइनस 10.75, 11.25 माइनस 10.75 विच इज़ इक्वल टू 0.5, एच इज़ इक्वल टू 0.5। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एल इज 10.75 प्लस एच इज 0.5 ओवर एफ इज 17 ब्रैकेट समेशन एफ इज 60 ओवर 2 माइनस सी इज 19। पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है, ये प्लस आपने सबसे लास्ट स्टेप में यूज़ करना है। बच्चे पहले स्टेप में प्लस है यूज़ करते हैं, 10.75 प्लस 0.5 करते हैं, इधर ही आपकी कैलकुलेशन, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने ये प्लस सबसे लास्ट पे यूज़ करना है, पहले आपने ये प्लस के बाद वाला जो पार्ट है जिसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद फ्रैक्शन और लास्ट पे हम ऐड करेंगे। 10.75 प्लस 0.5 ओवर 17, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ गया 30 माइनस 19। अब हम 30 में से 19 को माइनस करेंगे, 10.75 प्लस 0.5 ओवर 17, 30 में से 19 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 0.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ गया 5.5 को 17 पे, अब 5.5 को 17 पे डिवाइड करेंगे, 10.75 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 17, 5.5 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ गया 0.324। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 10.75 प्लस 0.324 ये आ गया 11.3
0.074। ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना है और उसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो हम उसका मीडियन फाइंड करेंगे। उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से पहले हम एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, समेशन एफ फाइंड करेंगे। 3 + 4 + 9 + 11 + 15 + 13 + 13 + 5 + 2 + 2, ये आ गया जी 77। समेशन एफ इज 77। 3 + 4 + 9 + 11 + 15 + 13 + 13 + 5 + 2 + 2 77। सी एफ का कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन एफ़ की कॉलम की मदद से हम सी एफ का कॉलम कैलकुलेट करेंगे। एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम, 3 में 4 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 7। 7 + 9 सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू 16। 16 + 11 = 27। 27 + 15 ये आ जाएगा 42। 42 + 13 = 55। 55 + 13 = 68। 68 + 5 = 73। 73 + 2 = 75। 75 + 2 = 77। समेशन एफ और सी एफ की लास्ट वैल्यू अगेन सेम। नेक्स्ट कॉलम हमने क्लास बाउंड्रीज का कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी जो क्लासेज हैं वो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। अगेन मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करूंगा। 5 - 4.9 / 2, पहले हम 5 में से माइनस करेंगे 4.9 को, तो ये आ गया 0.1 / 2। अब हम 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आया 0.05। बाय चांस दोनों क्वेश्चन में ये 0.05 आया, ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ही 0.05 आया। आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में आपने प्लस करना है। तो पहले हम माइनस करते हैं, 0 - 0.05, तो ये -0.05 आ जाएगा। 5 - 0.05, तो ये आ गया 4.95। 10 - 0.05 - 9.95। 15 - 0.05 - 14.95। 20 - 0.05 - 19.95. 25 - 0.05 - 24.95. 30 - 0.05 - 29.95. 35 - 0.05 - 34.95. 40 - 0.05 - 39.95. 45 - 0.05 - 44.95. अब हमने ये 0.05 अपर लिमिट्स में ऐड करना है, तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज आई, 4.9 + 0.05 - 4.95। 9.95 + 0.05 - 9.95। 14.9 + 0.05 - 14.95। 19.9 + 0.05 - 19.95. 24.9 + 0.05 - 24.95. 29.9 + 0.05 - 29.95. 34.5 - 34.9 + 0.05 - 34.95. 39.9 + 0.05 - 44.95 - 0.05 - 44.95 - 49.9 + 0.05 - 49.95 - 0.05 - 49.95. लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए हम समेशन एफ ओवर 2 को यूज़ करते हैं। समेशन एफ इज 77। 77 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 77 / 2, 38.5th value। अब हम देखते हैं 38.5th value किस क्लास में फॉल कर रही है। 38.5th value, ये 3 तक वैल्यूज़,
ये 7 तक, ये 16 तक और ये 27 तक हमारी वैल्यू है 38.5 वैल्यू। ये 27 तक वैल्यूज़ ये ऊपर वाली क्लासेस में है, 27 से ऑनवर्ड और 42 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में है। इट मीन्स के 38.5 इस क्लास में, ये 42 में आ रहा है, इस क्लास में 38.5 फिफ्थ वैल्यू आ रही है, ये है मीडियन क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 19.95, ये एल की वैल्यू, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 15, ये एफ की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो सी एफ की वैल्यू है ये सी की वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है एच, एच इज इक्वल टू 24.95 - 19.95 विच इज़ इक्वल टू 5। मीडियन का फार्मूला, मीडियन के फार्मूले में पहले फार्मूला लिखते हैं फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर टू माइनस सी। एल इज 19.95 प्लस एच इज 5, एफ इज 15, समेशन एफ 77 ओवर टू माइनस सी इज 27। फिर उसी तरह पहले आपने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, 5 ओवर 15, 77 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 - 27 19.95 + 5 ओवर 15। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। 38.5 में से माइनस करेंगे 38.5 - 27 तो ये आ गया 11.5। अब 11.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 57.5। अब 57.5 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे, 19.95 + 57.5 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 3.83। इन दोनों को ऐड करेंगे, 19.95 + 3.83 तो मीडियन का आंसर आ गया 23.78। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।